जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडियन जॉब में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी ट्रेडमैन्स के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन के बारे में। तो हम आपको हर डे आपको एक सेट मॉडल सेट आपको लेकर आते हैं, जो आपने बहुत सारे स्टूडेंटों ने डेली का डेली मॉडल सेट को आप अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं और बनाते भी हैं। इसमें बता दूँ आपको, 15 क्वेश्चन मैं डेली लेकर आता हूँ, जिसमें से आपने 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना रहता है। चलिए ले चलते हैं वीडियो की ओर। तो फ्रेंड, डिस्प्ले पर आपके लिए पहला क्वेश्चन, लोथर किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? लोथर किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, आप फास्ट कमेंट। चलिए बताता चलता हूँ मैं आपको, लोथर सिंधु घाटी युग की ऐतिहासिक स्थल है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर ए, अमर्त सेन जी को भारत के अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्मस कप किस खेल से जुड़ा है? ए, बी, सी या डी। थर्मस कप बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। हिंदी दिवस आपको बता दूं, 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? गोल गुंबज कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कर्नाटक में गोल गुंबज स्थित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सिक्स का भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? और बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं सिक्स लिखकर। जो भी आपको आंसर सही लगे, ए, बी, सी, डी, आप ऑप्शन में लिख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां नंबर क्वेश्चन, भारत की पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? भारत की पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 1954 से 1979 तक। अब बात करते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन की ओर। लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? शून्यकाल कहीं भी लिखा रहेगा, कभी शून्य अवधि भी लिखा रहता है, वो कितने देर का होता है? जल्दी से पता है तो कमेंट जरूर फास्ट करें। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, शून्यकाल 1 घंटे का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, रेंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दसवीं नंबर, स्वतंत्र भारत में संविधान के तहत पहला आम चुनाव कब हुआ? स्वतंत्र भारत में संविधान के अंतर्गत आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 1951 और 52 में ये फर्स्ट बार हुआ था, वो जो आपको बता दूँ ये राजस्थान में पहले शुरुआत हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हल्दीघाटी युद्ध किस समय लड़ा गया था? हल्दीघाटी युद्ध किस समय लड़ा गया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 1576 में ये लड़ाई हुई थी। भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली?
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 1853 ईस्वी में फर्स्ट ऑफ ऑल रेल गाड़ी चली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली किताब किसने लिखी दिल्ली किताब किसने लिखी, ऑप्शन ए बी सी या डी, फास्ट कमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, खुशवंत सिंह ने ये दिल्ली किताब को लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंचशीला समझौता किस देशों से संबंधित है, बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, भारत और चीन के बीच हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड मैं आपके लिए लास्ट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। हम वीडियो में आपको बोलते हैं कि दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे, तो आपको पहले एक क्वेश्चन आपको आंसर आपने दे चुके हैं, ये लास्ट क्वेश्चन, और आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, जल्दी से आप कमेंट में लिखकर बता दें, और मैं इसका नया वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं, किसका नेक्स्ट वीडियो कैसा रहे और किस टाइप का आपको वीडियो पसंद है उसको भी आप लिख सकते हैं, तो मैं आपको उस तरह वीडियो अवेलेबल करा सकता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।